हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों हेल्दी पराठा। तो हेल्दी पराठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ गाजर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। शानदार नाश्ता बनाने के लिए हमें ये सामग्री लगेगी। तो सामग्री में मैं ली हूँ यहाँ पर 1 कप आटा, गेहूं का आटा है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 गाजर, इसको कद्दूकस कर लिया है। साथ में लिया मैंने हरा धनिया, कुछ लहसुन के कलियां बारीक बारीक मैंने काट ली हूँ, 1 प्याज ली थी छोटा वाला, इसको भी बारीक बारीक चॉप करके काट ली हूँ। इधर मैंने 2 हरी मिर्ची ली थी, इसको भी काट ली अच्छे से। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तेल निकाली हूँ। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने से पहले हम यहाँ पर 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्का नमक, हल्का हल्दी पाउडर। तो आप सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम हल्का हल्का पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हम पानी हल्का हल्का डालते हुए आटा को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह हथेली में हल्का पानी लेके इसको इस तरह से उंगली मारते हुए हम हल्के हाथों से आटा को सानते हुए तैयार कर लेंगे सॉफ्ट डो। तो मेरा ये आटा सन के तैयार हो गया दोस्तों, देखिए। अब यहाँ पर हम हल्का रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस प्लेट से मैं इसको ढक देती हूँ दोस्तों, ये देखिए। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते। तब तक हम जो सब्जियां लिया था इसमें कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कटोरी ली हूँ दोस्तों, बड़ा साइज वाला कटोरी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम गाजर डाल देते हैं। आज हेल्दी पराठा बनाएंगे दोस्तों, और साथ में हरी मिर्च, प्याज, यहाँ पर मैंने लिए थे लहसुन की कलियां कुछ, और साथ में यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देते हैं। तो इसमें कुछ मसाला मिला लेते हैं। तो इसमें हम नमक तो हमने आटा में भी डाला था दोस्तों, तो यहाँ पर मैं हल्का नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच से भी कम, और साथ में 1 काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच ये साबुत जीरा, गरम मसाला दोस्तों, साथ में यहाँ पर डाल रहे दोस्तों ये आमचूर पाउडर, यहाँ पर मैंने लिया 1/2 चम्मच अजवाइन दोस्तों। इसको हाथ में रख के इस तरह से दूसरे हाथ से इसको हल्का सा क्रश करते हुए हम इसका फ्लेवर अच्छे से पराठा में घुल जाएगा और अच्छा फ्लेवर देगा ये। तो इन सबको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं हाथ से मिला रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसको इधर साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले गैस जला लेते हैं दोस्तों, और तवा को रख देते हैं गर्म होने के लिए।
तो 10 मिनट हो गया दोस्तों, हम आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा हमारा बन के तैयार है ये लोग। तो अब हम रोटी को बना लेते हैं दोस्तों, पराठा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये डो को दो भाग में कर लेती हूँ, और जैसे हम खाने के लिए अपना रोटी बनाते हैं उस तरह से हम डो तोड़ लेंगे इसका। ये देखिए, नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा, इस तरह से हम ले लेंगे। तो मैंने डो इसका काट करके रेडी कर लिया है दोस्तों, ये देखिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर तेल या तो सूखा आटा लगा लें दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सूखा आटा ली हूँ, तो इसमें हम सूखा आटा लगा लेते हैं और इस तरह से चपला पर रख के हम बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बेल लिया है दोस्तों। अब इसमें हम ये जो हमने तैयार करके रखे थे, अब इसको हम इसमें भर लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं दोस्तों। इसको हम हल्के हाथों से दबा देंगे और इसके ऊपर हम सूखा आटा लगा लेंगे दोस्तों, दोनों तरफ से। ये देखिए, और इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे दोस्तों। ये देखिए, हमने जो इसमें जो सब्जियां भरे दोस्तों, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। तो तवा गरम हो चुका है दोस्तों, अब हम बना लेते हैं पराठे को। हम यहाँ पर आंच नॉर्मल रखेंगे दोस्तों। तो बाकी का हम इसी तरह से हम भर के इसका तैयार कर लेते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं दोस्तों। बाकी का हम इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसको तेल लगा देते हैं, चारों ओर से इस तरह से हम तेल डाल लेंगे तवे पर, और इसको इस तरह से हम घुमाते हुए चारों ओर में तेल लगाते हुए पलट लेंगे। तो हमारा ये पराठा रेडी हो गया दोस्तों बनके। तो इसको हम निकाल लेते हैं इधर प्लेट में। अब हम तवे को साफ कर लेंगे। तो हम बाकी का इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो सारा पराठा मैंने बना करके रेडी कर लिया है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी बनके तैयार हो गई दोस्तों, हेल्दी पराठा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों। हाँ दोस्तों, कल का वीडियो मैं नहीं डाल पाई थी, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ दोस्तों, ये पराठा बड़े या बच्चे को बहुत चाव से खाएंगे। तो ये दही भी मैंने साथ में लिया है दोस्तों, आप चाहे तो सब्जी के साथ भी खा सकते हैं।